हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो लेट से जा रहा है बट स्टिल आप सबको हैप्पी होली। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये होलिका दहन की है। इस दिन हमने ये स्मॉल सा डेकोरेशन किया था और होलिका दहन के रात हमारा डिनर होता है ये करी चावल एंड पकौड़े एंड कुछ सब्जी भी अगर आपको बनानी हो तो। और इन पकौड़ों को आग में डाला जाता है जो कि हम यहाँ पर नहीं कर पाए। दो दिन पहले ही मैंने लिस्ट बना लिया था कि मुझे क्या क्या बनाना है होली पे। इसमें से मैं बस एक आइटम नहीं बना पाई, वो है समोसा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ दही वड़े के रेसिपी। तो जिसके लिए मैंने उड़द एंड और मूंग की दाल को मैंने एक दिन पहले ही भिंगने डाल दिया था एंड अब इसे मैं पीस लूँगी। पीसने के बाद एक बाउल में निकाल के इसे मैं आप चाहे तो नमक अजवाइन वगैरह डाल के इसे अच्छे से फेंट लेना है। और मिर्ची एंड अदरक तो हमने पहले ही डालकर पीसा था। और जब आपको लगता है कि हो गया तो आप एक बाउल में पानी लेके इसे पानी में डालकर देख सकते हैं। जब ये फ्लोट करेगा तो समझिए रेडी है बैटर। देन मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई जिसमें मैंने ऑयल डाला है, पीनट ऑयल, एंड इसमें मैं फ्राई कर रही हूँ वड़े। दही वड़ा बनाना मैं पिछले साल से एक दो साल से ट्राई कर रही हूँ कि हर साल वो बेटर हो, बट फिर भी अभी एकदम परफेक्ट मेरे से नहीं बन पाता है। तो ये वड़े मैंने छान कर रख दिए और थोड़ा सा पानी गर्म किया है, उसमें मैं नमक डाल दी और हींग भी डाल सकते हैं। पानी थोड़ा गर्म होना चाहिए जिसमें आप वड़े डालें तो उसमें वो पानी ऑब्जर्व कर सके, एंड ज़्यादा देर तक अगर आप छोड़ेंगे तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब एक बाउल में मैं थोड़ा सा खजूर और एक बाउल में इमली ले रही हूँ। इन दोनों को भी मैं रात भर फुला करके छोड़ दी थी एंड अब इन दोनों को पीस लेना है मुझे। पीस करके पेस्ट बना लूँगी क्योंकि ये इमली में बीज और रेसे नहीं थे तो मैंने इसे बिना छाने ही यहाँ पर मैं पका रही हूँ। जब मैंने डाल दिया तो मैंने देखा थोड़ा बहुत रेसे थे बट वो चलेगा। अब इसमें मैं गुड़ डाल रही हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्च एंड थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, एंड इन सब को डाल करके मैं कलर चेंज होने तक पका लूँगी। एकदम थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला भी डाला है। 5-10 मिनट में ये चटनी बन जाती है, कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसे शीशे वाले बाउल में निकाल देती हूँ एंड इसे मैं अब फ्रिज में स्टोर करके रख लूँगी। अब मैं बनाने जा रही हूँ पुआ। तो पुआ के लिए मैं यहाँ पर दो बनाना ली हूँ और उन दोनों को मैंने मैश कर लिया है एंड इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा, 1 कप सूजी और थोड़ा सा 2 चम्मच में आटा भी डाल रही हूँ। एंड यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्राउन शुगर, वाइट शुगर भी डाल सकते हैं, एंड इलायची सौंफ, ये दोनों डाला है। अब इसमें दूध डाल के इसे अच्छे से एक बैटर बना लेना है और इसे बनाकर मैं फ्रिज में रख दूंगी 4-5 घंटे के लिए। होली पे मैंने निमकी भी बनाया था, इसका वीडियो मैं नहीं डाली हूँ, बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये एक आइटम मैंने और बनाया था। और अब मैं 4-5 घंटे होने के बाद बैटर को निकाल कर कंसिस्टेंसी चेक कर रही हूँ उसका। तेल यहाँ पर ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए मैंने गैस बंद कर दिया है और अब मैं इसमें पुए छान लूँगी। तो ये देखिए इस बार मेरे पुए फुल भी रहे हैं। तो अब इन निमकी को मैं एक डब्बे में बंद करके रख दे रही हूँ और मैंने सारे जो पुआ था उसे छान लिया है और अब मुझे बनाना है चाशनी। कुछ पुए सूखे भी रखे हैं मैंने और कुछ मैं चाशनी में डालूंगी। मुझे चाशनी वाला कुछ खास पसंद नहीं है बट मेरे घर में पसंद है सबको। तो पानी में मैं चीनी, सौंफ, इलायची एंड सैफ्रन वगैरह डालकर गुलाब जामुन जैसा चाशनी बना लूँगी। और साथ ही में मैं तैयारी कर रही हूँ ठंडाई का, जिसके लिए मैंने काजू एंड बादाम को पानी में भिंगो दिया था थोड़ी देर के लिए। मगज मुझे नहीं मिले तो मैंने पम्पकिन सीड्स ही डाल दिए हैं और उसमें मैंने काली मिर्च, सैफ्रन, सौंफ, इलायची एंड
मिश्री वगैरह डाल करके मिक्सी में ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लूँगी। मैं यहाँ पे गीला वाला ठंडाई का पेस्ट बना रही हूँ, आप पाउडर भी बना कर रख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे मैं पीस लूँगी। अब मेरी चाशनी भी रेडी है और ठंडाई के पेस्ट को मैं डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। और जो कुछ भी बचा था जार में उसमें मैंने दूध डाल करके एक गिलास बनाया है सबको टेस्ट कराने के लिए। तो यहाँ पर मेरी ठंडाई भी बनकर रेडी है और इसे मैंने छाना नहीं है, आप चाहे तो इसे छान भी सकते हैं क्योंकि जो भी होता है वो नीचे बैठ जाता है, तो इट्स ओके। और फिलहाल में इसे सैफ्रन से डेकोरेट कर दिया, ठंडाई रेडी है। एंड तो मेरी चाशनी लगभग थोड़ी ठंडी हो गई है, अब उसमें मैं अपने पुए डाल दूँगी। तो सारा आइटम मेरा लगभग बन के तैयार है और अब बारी है खाने की। लगभग 2-3 दिन से मेरी तैयारी चल रही थी और इन सबको बनाने में मुझे 2-3 दिन लगा। तो आज ही होली और मैं सारा खाना सर्व करने की तैयारी कर रही हूँ और साथ में मैं यहाँ पे चाट की तैयारी भी कर रही हूँ। तो अभी गैस पे मैंने छोले चढ़ाए रखे थे, वाइट पीस वाली मटर की चाट बना रही हूँ आज और उसमें ये चटनी भी काम आ जाएगी। तो ये सारा खाना मैंने होली पे बनाया है और ये चाट पे बन के मेरे रेडी है। ये रहा मालपुआ, निमकी जो कि स्नैक्स है, एंड ठंडाई और दही वड़े। दही वड़े का मसाला भी मैंने बनाया था जो इसके ऊपर मैं अब स्प्रिंकल कर दी हूँ। तो अब हम अपना लंच इंजॉय करेंगे। आपने होली पे क्या क्या बनाया मुझे बताना। एंड मुझे ठंडाई बहुत अच्छा लगा, हालांकि रेसिपी मेरी थोड़ी सी डिफरेंट थी बट फिर भी ओरिजिनल ठंडाई के रेसिपी में और भी कुछ कुछ डालते हैं जैसे कि गुलाब के पत्ते वगैरह। जो कुछ मुझे यहाँ पर मिला मैंने डाला, जो कुछ नहीं अवेलेबल था फिर नहीं डाल पाई, बट स्टिल टेस्ट बहुत अच्छा आया। और होली की क्लिप्स लेना मैं भूल गई, तो यहाँ पे आई विल शो यू द पिक्चर्स। तो कुछ इस तरह से हमने होली सेलिब्रेट किया। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।